नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल बिहार हेल्प में और मैं हूं जीत। फाइनली दोस्तों, ललित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा पार्ट वन का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, जो सेशन 20 से 23 वाला है उनका जो है एडमिट कार्ड डायरेक्ट जारी कर दिया गया है एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा लिंक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, आपको चले आना है हमारे ऑफिशियल बिहार हेल्प .in पे। दोस्तों याद रखें, बिना स्पेस के .in लगाइएगा और नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है के नीचे दिख जाएगा एडमिट कार्ड। देख सकते हैं एडमिट कार्ड में यहाँ पे सबसे ऊपर में पोस्ट मिल जाएगा LNMU पार्ट वन एडमिट कार्ड। देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, बैकग्राउंड में जो अभी आपको वॉइस मिल रहा है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी हम अपने सेटअप पे नहीं थे और जस्ट अभी एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपको सभी जानकारी दिया हुआ है एडमिट कार्ड से रिलेटिव वगैरह, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। और लिंक मिलेगा इंपोर्टेड लिंक के सामने, यहाँ पे एडमिट कार्ड डायरेक्ट अभी जो है लिंक जस्ट एक्टिवेट किया गया है और लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी फटाक से वेबसाइट खुल जाएगा, बाद में हो सकता है वेबसाइट ओपन ना हो। तो आपको दोस्तों आपको ट्राई करना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एडमिट कार्ड ऑफ UG पार्ट वन अवेलेबल, अभी जस्ट ये अवेलेबल किया गया है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक हियर टू UG पार्ट वन एडमिट कार्ड, देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है। एक दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आपको रेफरेंस नंबर हो गया, एप्लीकेशन नंबर, या दोस्तों आप जो है यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी नंबर डाल के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों, आपको जो है पिछले साल का भी होगा, आपको मतलब ये चेंज नहीं होता है। बार बार आप किसी सेशन में अगर देते हैं तो ये आपका चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट डाल दिए हैं, और डालने के बाद सिंपली आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सर्च पर तो यहाँ पे सर्वर इधर आएगा, लेकिन दोस्तों आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रेश करना है, ट्राई करना है जब तक आपका डाउनलोड ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों अभी जस्ट जारी हुआ है तो हो सकता है कि सर्वर में इशू हो। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम डाले हैं तो यहाँ पे इनका जो है एडमिट कार्ड नॉट अवेलेबल, प्लीज़ कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका एडमिट कार्ड जो है कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाया है, आप उनको यूनिवर्सिटी में जाना होगा। लेकिन आप जो है यहाँ से सक्सेसफुली आप अपना चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है जस्ट लिंक एक्टिव हुआ है। आप नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट वन का एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, और कोई भी दोस्तों सवाल है नीचे कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।